खबर श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से है। यहाँ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर श्रीकरणपुर और पदमपुर ब्लॉक कांग्रेस की संयुक्त बैठक व्यापार मंडल सभा हॉल में संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस के श्रीगंगानगर लोकसभा कोऑर्डिनेटर दिनेश कस्बा, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला परिषद प्रमुख, हनुमानगढ़ जिला परिषद प्रमुख, पूर्व सांसद सहित ओबीसी विभाग कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक केसरी सिंहपुर नगर पालिका के उपाध्यक्ष सोमनाथ नायक सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़ी संख्या में अपने आवेदन कांग्रेस के लोकसभा कोऑर्डिनेटर दिनेश कस्बा को सौंप कर टिकट पर दावेदारी जताई। श्रीगंगानगर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हमें कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। हम सबको लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाना है। वहाँ की जनता, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंचगण व सभी पदाधिकारियों की राजकुमारी करके, हम सब की राजकुमारी करके हम सबको, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, हमें यहाँ की आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है।